हेलो एवरीवन, आई एम उर्मिला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेटफुल लाइफ। सो आज भाई दूज है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। एंड आज मैं बहुत ही बहुत टेस्टी बूंदी के लड्डू बनाने वाली हूँ विद वेरी सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप ऑफ बेसन लिया है। तो ये नॉर्मल वाला बेसन है, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो ये 1.5 कप बेसन है एंड सेम क्वांटिटी में 1.5 कप ऑफ शुगर है। तो आप जितना बेसन ले उतना ही शुगर ले। तो इसी मेजरिंग कप से मैंने मेजर करके शुगर निकाल लिया है। एंड ये थोड़ा सा घी है एंड मेरे पास मस्त मेलन सीड्स हैं। तो ये भी बहुत मस्त है क्योंकि बूंदी के लड्डू में तो अक्सर आपने देखा होगा ये डलता ही डलता है। तो इसे थोड़ा सा रोस्ट करके लेना है। एंड मैंने इलायची लिया है, अगर इलायची पाउडर है तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट। एंड थोड़ा सा मैंने पिस्ता लिया हुआ है फॉर गार्निशिंग। एंड मेरे पास केसर के स्ट्रिंग्स भी हैं थोड़े से, तो वो भी मैंने ले लिया है। एंड थोड़ा सा फूड कलर लिया है। वैसे तो मैं फूड कलर अवॉइड करती हूँ, बट थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी क्योंकि लड्डू में हलवाई फूड कलर डालते ही डालते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट एंड जूसी माउथ वाटरिंग बूंदी के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, उसमें ये स्ट्रेनर लगा दिया है। एंड इसमें ये सारा बेसन ऐड कर दूंगी एंड इसे मैं सीव कर लूंगी ताकि बिल्कुल लम्स फ्री बैटर रेडी हो एंड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो बस स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी बूंदी के लड्डू बनेगी। मैंने बहुत अच्छे से सीव कर लिया है एंड बस थोड़े से पार्टिकल्स बच गए हैं तो इसे मैं निकाल दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट। इसका रेशियो यही है कि जितना आप बेसन ले उतना ही शुगर एंड उतना ही वाटर यूज होता है ऑलमोस्ट। तो मैंने उसी मेजरिंग कप में वाटर ले लिया है। तो मैंने जितना बेसन लिया था उतना ही वाटर लिया है, तो थोड़ा बहुत कम या ज्यादा हो सकता है। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है, बिल्कुल लम्स फ्री। तो इसमें मैं कोई भी बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ। मुझे सोडा वाला अच्छा नहीं लगता है तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ऐसे भी बहुत मस्त बनता है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, बट इसे आप 5-7 मिनट तक बहुत अच्छे से फेटेंगे तो बहुत ही बहुत मस्त बूंदी बनेगी। अगर आप इंस्टेंटली बना रहे हैं तो थोड़ा सा बस 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा ही वाटर डाल के इसे फेटते जाएं, एकदम से वाटर पूरा ना डाल दें। तो जैसे पकौड़ों के लिए हम बेसन बनाते हैं उससे बस थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी ढीली होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा फ्लोइंग रहे और बहुत अच्छे से इसके ड्रॉप्स गिर पाए ऑयल में। देखिए मैंने इसका इस तरीके का बैटर बना लिया है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी तो बस इस तरीके का होना चाहिए ताकि इसके ड्रॉप्स आसानी से गिर पाए एंड लास्ट ड्रॉप इस तरीके से गिरे। एंड इधर भी बहुत अच्छे से कोट हो रहा है ये। एंड मैंने जितना बेसन लिया था उतना ही वाटर, बस थोड़ा सा 2 स्पून ऑफ वाटर बच गया है। तो इसमें अभी मुझे 1 स्टेप करना है। तो बस 1 चम्मच घी ऐड करूंगी मैं, तो आप रिफाइंड भी ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप हल्दी भी इसमें डाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा एंड हल्दी का कोई टेस्ट नहीं आने वाला क्योंकि ये फ्राई होने वाला है प्लस चीनी के सीरे में ये डिप होता है, तो आप हल्दी यूज कर सकते हैं। एंड इसे मैं 7 मिनट या 8 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट करूंगी ताकि इसमें जो भी एयर है वो आ जाए और बहुत अच्छे मोटे मोटे बूंदी बन के तैयार। तो ये मस्टमेलन सीड्स को मैंने पैन में थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए चढ़ा दिया है। तो बिल्कुल थोड़ा सा रोस्ट करना है, एकदम लाइट ब्राउन, जब तक कि इसमें थोड़ी सी क्रैक होने की आवाज ना आने लगे। तो आप ऐसे डालेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि आप कच्चा भी डाल सकते हैं बट फॉर बेटर टेस्ट ये वाला स्टेप आप जरूर करें। मस्टमेलन सीड को मैंने रोस्ट कर लिया है एंड इसके और कितना अच्छा कलर आ गया, प्लस ये अपने साइज से डबल हो गए हैं एंड बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। तो ऐसे ही खाने में बहुत मजा आता है। एंड इसे मैंने 7-8 मिनट तक बहुत अच्छे से बीट कर लिया है। तो मेक श्योर कि आप बहुत टाइम तक इसे बीट करें, अदरवाइज 1 पिंच ऑफ बेकिंग सोडा यूज करें। एंड मैंने ऑयल को चढ़ा दिया है, तो मेक श्योर कि आप मोटा वाला ही कढ़ाई लें, फ्राइंग पैन में इसे फ्राई ना करें, उसमें अच्छी बूंदी नहीं बनती है। तो मोटा वाला ही कढ़ाई यूज करें एंड ऑयल बिल्कुल हीट होना चाहिए जैसे हम पूड़ी बनाने के टाइम पे हीट करते हैं।
तो मेरे पास एक मोल्ड है, इसमें बूंदी बहुत अच्छे से बनती है, तो मैंने तो इसे परचेस कर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बनता है, बट बहुत अच्छी बूंदी इसमें भी बनती है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूं। तो इस टाइप का जो मैंने मोल्ड लिया है तो इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दें, इससे बूंदी बहुत अच्छे से इसमें गिरेगी एंड चिपकेगी नहीं। एंड ये भी ध्यान रखना है कि जब हम नेक्स्ट टाइम फिर से बूंदी फ्राई करें तो इसे वॉश करके फिर से ऑयल से ग्रीस करना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट जब अच्छी बूंदी खानी है, अच्छी लड्डू खानी है, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ऑयल बिल्कुल बहुत अच्छे से हीट है, एंड जब भी हम बूंदी बनाएंगे इसको ऑयल से थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखना है, ताकि क्योंकि जो इसके ड्रॉप्स गिरते हैं वो गोल गोल गिरे एंड वेट के साथ गिरे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस में ही ये रखना है, बिल्कुल ऐसे पास से ना करें। तो मैंने लैडर भर के बैटर ले लिया है, एंड अब मैं इसमें इस तरीके से स्प्रेड करूंगी, एंड देखिए कितनी अच्छी से बूंदी गिरती जा रही है। तो आप बहुत ज्यादा एक बार में ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें बूंदी, और बस इसे थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं ताकि सारी बूंदियां ऑयल में आ जाए। तो देखिए ऑयल बिल्कुल हीट है एंड हाई फ्लेम पे है, एंड देखिए बूंदी कितनी गोल गोल बन के तैयार हुई है, बिल्कुल अमेजिंग। तो बस इसे थोड़ी देर सिकने देना है, एंड ये वन लेयर में ही बूंदी है, इसे अभी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल टच ना करें। तो जैसे हाफ मिनट हो आप इसे पलट दें, एंड इस टाइम पे थोड़ा सा फ्लेम को आप कम कर सकते हैं ताकि ये बूंदी क्रिस्प हो, एंड बहुत ज्यादा क्रिस्प नहीं करना है बूंदी के लड्डू के लिए, बहुत ज्यादा क्रिस्प करने की जरूरत नहीं है, एंड नो नीड टू वरी, ये बहुत इजीली बन जाते हैं। तो बस इसे थोड़ी देर सिकने दूंगी, फिर मैं इसे निकाल लूंगी। तो बूंदी आप हाई फ्लेम पे ही करें, अदरवाइज ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो बूंदी बिल्कुल सिक गई है बहुत अच्छे से, इसने कलर चेंज कर लिया है, एंड देखिए सारी बूंदी वन लेयर में ही है, एंड प्लस मैंने कोई भी बेकिंग सोडा ऐड नहीं किया है, तो विदाउट बेकिंग सोडा भी बहुत अच्छी बूंदी बनती है। एंड अगर आप इसे एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं, इसमें चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर ऐड करके आप खा सकते हैं, एंड दही बूंदी भी इसी की बना सकते हैं। तो ये सोचिए कितना वेरिएशन है इसका। तो जब भी टाइम पास करने का मन हो तो आप बूंदी बनाएं एंड एंजॉय करें। तो बस इसे ऐसे उछालते हुए इसे निकाल लेना है ताकि ऑयल ना रहे, एंड मैंने एक टिश्यू पेपर लगा दिया है इसमें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें आ जाए। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इस पे वापस से ऑयल ग्रीस करना है एंड इसे वॉश कर लें फॉर बेटर रिजल्ट। तो मैं वापस से इसे वॉश कर लिया है, एंड अब मैं ऑयल ग्रीस कर दी हूँ, एंड फ्लेम अभी भी हाई है, तो वापस से इस बैटर को मैं इसमें ऐड करूंगी। एंड बिलीव मी, वन एंड हाफ कप से आपकी बहुत सारी बूंदी के लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो ध्यान रखिए कि इसे तुरंत टच ना करें, थोड़ा सिकने के बाद ही आप टच करें। तो ये सेकंड टाइम का बूंदी भी बिल्कुल बन के रेडी है, इस स्टेज पे मैं निकाल लूंगी, एंड इसी तरीके से सारी बूंदी बना के तैयार कर लूंगी। और देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल क्रिस्प। तो चलिए अब नेक्स्ट रेडी है। अब मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें बूंदी का सिरप बनाएंगे प्लस उसमें बूंदी ऐड करेंगे। तो आप ट्राई करके एक कढ़ाई ही लें, क्योंकि इसमें दो मिनट तक बूंदी पकती है अच्छे से, तो कैप वाला कढ़ाई ही लें। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी, तो ध्यान रखें जितना बेसन था उतना ही शुगर एंड उतना ही वाटर। तो मैंने बस डेढ़
कप शुगर ऐड कर दिया है। अब मैंने मेजर करके उसी मेजरिंग कप से 1.5 कप ऑफ वाटर लिया है, तो उसे भी मैं ऐड कर दूंगी। जस्ट मिक्स इट। एंड इलायची को मैंने क्रश कर दिया है एंड थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स है, ये सारा मैं इस सिरप में ही ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो फूड कलर बूंदी बनाते टाइम बूंदी के बैटर में भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है तो मैं थोड़ा सा 1 pinch ऑफ ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो सिरप को तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल चिपचिपी ना हो जाए। तो इसे हमें बाइंडिंग करना है, तो बिल्कुल चिपचिपी एंड थोड़ी सी गाढ़ी होनी चाहिए, जस्ट लाइक हनी। तो देखिए कितने बबल्स आ गए हैं एंड ये 4-5 मिनट में रेडी हो जाता है। तो बिल्कुल हनी टाइप का हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाशनी बनाना है। तो इसे कंटिन्यू स्टर करते रहे एंड कितना अच्छा सा कलर आ गया है। सिरप को बनते हुए एंड यू कैन सी कितनी गाढ़ी हो गई है, इनफैक्ट अपनी क्वांटिटी से हाफ हो गई है। तो बिल्कुल स्टिकी वाला होना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से लड्डू बन पाए, बिल्कुल गाढ़ी। तो सिरप बन के रेडी है एंड ये बूंदी को मैंने एक ब्रॉड से प्लेट में ट्रांसफर कर लिया था ताकि थोड़ा ठंडा हो पाए। तो अभी भी ये वार्म है तो बस कुछ नहीं करना, अब इसे थोड़ा थोड़ा फ्लेम को बिल्कुल कम कर दे एंड अब इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं एंड मिक्स करते जाएं। तो मेक श्योर कि जितनी बूंदी लें उतना ही शुगर लें। मिनट हो गया है एंड लिड कवर कर दिया था मैंने एंड इसमें हम अच्छे से बॉईल आ गई है एंड यू कैन सी सारा शुगर सिरप इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। एंड सी द कलर, क्या मस्त कलर आया, बिल्कुल लग रहा है ना मार्केट जैसा बूंदी, माउथ वाटरिंग। तो बस अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ एंड वापस से 2-3 मिनट इसे ढक के छोड़ दे रही हूँ ताकि जो भी इसमें कसर है वो पूरी हो जाए और ये स्टीम से सारा शुगर सिरप एब्जॉर्ब कर ले एंड बिल्कुल 1 लेयर में अच्छे से बन जाए। तो इसे मुझे रखे हुए 2-3 मिनट हो गया है तो मैं इसे ओपन करती हूँ एंड देखिए कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल आप इसे 4-5 मिनट या ज्यादा देर बिल्कुल ना छोड़े, अदरवाइज आपके लड्डू बन नहीं पाएंगे, पूरा शुगर सूख जाएगा एंड ड्राई हो जाएगी बूंदी। तो हमें लड्डू बनाना है तो बस इसी स्टेज पे अब लड्डू बनना स्टार्ट करना होगा। तो मैंने मस्त मेलन सीड्स रखा था, उन्हें मैं ऐड कर दूंगी एंड जो मैंने पिस्ता रखा था उसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है तो मैं इसे ऐड करूंगी। हमें पिस्ता और काजू वगैरह बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज यू कैन स्किप। बस इसे मिक्स कर दूंगी इसे, तो अगर लड्डू बनने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा 2-3 स्पून घी भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए अब लड्डू बनना स्टार्ट। तो बस हैंड में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लें एंड ये थोड़ा सा वार्म होना चाहिए उसी स्टेज पे, जिस भी साइज के लड्डू चाहिए उतना क्वांटिटी आप हैंड में लें और बिल्कुल इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए लड्डू बांधे से प्रेस करते हुए सारे लड्डू बना ले। तो देखिए मैंने कितनी सारी लड्डू बना ली है, क्या मस्त बूंदी के लड्डू बने हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, तो देखिए क्या मस्त लग रहा है ना माउथ वाटरिंग। सो डू ट्राई दिस रेसिपी एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।